Hello everyone. So today I'm going to discuss on regarding your examinations, regarding the important instructions of your B.Ed. exams. Right guys, आज के वीडियो के अंदर we will discuss about हमारा mode of examinations क्या है B.Ed. exam examinations के लिए. फिर उसके बाद हमने अपने जो हमारे roll numbers हैं और date sheet है, how we have to download from the यूनिवर्सिटी साइट, कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी साइट, देन व्हाट वुड बी द टाइम अलॉटेड फॉर द एग्जामिनेशंस, व्हाट इज द यू नो व्हाट वुड बी द टाइम गिवन टू अस फॉर राइटिंग द एग्जाम, मेकिंग पीडीएफ फाइल एंड देन अटैच विद द गूगल फॉर्म. राइट गाइस, फिर हम डिस्कस करेंगे हाउ वी हैव टू यू नो फिनिश अवर 100% अटेम्प्ट अवर 100% एग्जाम्स एंड रिमेंबर दैट we have to fill 36 pages sheets, okay? Then how we have to write the, you know, question number, paper code, page number, signature on the each and every sheet. Or last mein guys, I'm going to tell you about the some important settings which you have to, you know, do on your mobile so that aap apna jo exams hai easily way mein de sakte. Right guys? So first hum start karte hain, hamara mode of examinations kya rehne wala hai. So guys, it has finalized in the university. The mode of examinations of B.Ed. exam first year would be online mode. Right guys? So online mode ke andar aapne examinations apne dene hain. Okay? Right? So which is starting from 3rd September. Right guys? Now we discuss how we have to download the date sheet and admit cards. So guys, aap download kar sakte hain date sheet ko और एडमिट कार्ड्स को फ्रॉम द कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी साइट. राइट गाइस, कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं. वहां पे ऑप्शन दिया हुआ है, यू हैव टू फिल द योर क्लास नेम, ओके, और आपका जो नेम है उसके फर्स्ट थ्री वर्ड आपको यू हैव टू एंटर. तो जैसे ही आप थ्री वर्ड एंटर करते हैं उससे रिलेटेड सभी नेम आ जाएंगे. अपने नेम के अकॉर्डिंग, फादर नेम के अकॉर्डिंग यू कैन डाउनलोड एंड यू कैन टेक यूर प्रिंटआउट्स. ओके, अदरवाइज कुछ बच्चे हैं जो उनको कॉलेजेस के द्वारा भी मिल जाएंगे. राइट गाइस, अभी मैंने इसकी, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारा टाइम क्या रहने वाला है. ओके, डेट एंड टाइम अलॉटेड फॉर एग्जामिनेशन. तो आपका जो टाइम है पेपर के लिए वो है 4 आवर्स. राइट, और डेट शीट जैसे कि मैंने बीएड की डेट शीट, फर्स्ट ईयर की डेट शीट कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी की साइट से डाउनलोड कर ली है और ये मैं आपको शो कर रहा हूं अपनी स्लाइड के अंदर. जो भी बच्चे मेरा ये वीडियोस देख रहे हैं वो काइंडली इसको नोट कर लें, वो डाउनलोड कर सकते हैं कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी साइट पे जाके भी. अदरवाइज अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना डाउनलोड कर लीजिए. आपके जो एग्जाम्स हैं बीएड फर्स्ट ईयर के रेगुलर स्टूडेंट्स के और रीअपियर स्टूडेंट्स हैं उनके भी, जिनकी लास्ट ईयर में थी, एग्जाम्स आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन 3rd September. 3rd September को बेटा आपका एग्जाम्स होगा पेपर 1, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप. राइट गाइस, फिर उसके आपके दो छुट्टियां हैं आपको उसके बीच में, 4th और 5th की आपकी छुट्टी होगी. ओके, उसके बाद आपका जो एग्जाम्स होगा 6th को एग्जाम्स होगा, 6th ऑफ सितंबर को. राइट, कौन सा एग्जाम है आपका? सेकंड पेपर आपका. टोटल पेपर कितने हैं बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर? हमारे 8 पेपर्स हैं, 8. राइट, 8 पेपर्स के अंदर कैसे हैं? 5 कंपलसरी पेपर हैं हमारे, लेकिन वो जो 4th पेपर है उसके हमारे 2 पार्ट हैं, 4th A और 4th B. राइट, और जो 2 सब्जेक्ट्स हैं 4th A और 4th B के कारण 6 हो गए पेपर, और 2 टीचिंग सब्जेक्ट्स जब उनको कंबाइन करेंगे तो टोटल पेपर्स वुड बी 8. राइट, लेकिन यहां पर ये याद रखना है 4th A और 4th B पेपर है जो आपका, वो एक ही दिन होगा आपका. जैसा कि आप डेट शीट में देखें कौन सी डेट दिखा रहा है, 13 सितंबर. 13 सितंबर को आपका 4th A और 4th B पेपर उसी दिन में होगा आपका. दोनों पेपर के लिए जो टाइम अलॉट किया जाएगा, डेढ़ घंटा अलॉट किया जाएगा, 1.5 आवर्स फॉर 4th A एंड 4th B. राइट बेटा, 9th को आपका 3rd पेपर था. थर्ड, मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूं, 3rd को आपका पेपर 1 है, 6th को पेपर 2 है, 9 सितंबर को पेपर 3 है, 13 सितंबर को आपका 4th A और 4th B है. राइट,
15th को आपका फिफ्थ पेपर है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, राइट गाइस। उसके बाद आप देखो डेट शीट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सारे पेपर दिए हुए हैं, पैडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस इंग्लिश, राइट बेटा। आपने इस डेट शीट में से अपने जो आपके दो टीचिंग के सब्जेक्ट्स हैं, सभी के दो टीचिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं, ओके, किसी का अगर आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं तो देन इट वुड बी एसएसटी एंड इंग्लिश, ओके। इफ एनीवन हैज कम फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड तो देन द सब्जेक्ट वुड बी साइंस मैथमेटिक्स साइंस लाइफ साइंस। तो आपने ये अपने पेडागोजी ऑफ सब्जेक्ट्स के इस लिस्ट में से देखने हैं और उसके अकॉर्डिंग आपने एग्जामिनेशन देने हैं, राइट बेटा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं और लास्ट में आपका 24 सितंबर को आपका लास्ट एग्जाम होगा, ओके। अब हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट थिंग, टाइम क्या होगा, टाइम अलॉटेड फॉर रिटन एग्जाम्स, आपको रिटन एग्जाम्स के लिए कितना टाइम दिया जाएगा, आपको पीडीएफ फाइल कैसे बनानी है, आपको फाइल गूगल फॉर्म में कैसे अटैच करनी है, ओके गाइस। तो ये बहुत ही ध्यान से सुनना, फर्स्ट सबसे पहले बच्चे आपको जो आपकी जो आंसर शीट होगी, आंसर बुकलेट होगी, दैट वुड बी ऑफ 36 पेजेस, ओके। तो आपने एग्जामिनेशन से पहले, अभी एग्जामिनेशन को आपके टाइम है, राइट, टुडे इज 29th अगस्त, 4-5 दिन है आपके पास, आप उसके 8 सेट निकलवा लीजिए, राइट, आंसर बुकलेट के, जो आपके पर्टिकुलर जो कॉलेजेस होंगे उन्होंने ग्रुप बनाकर आपको सेंड कर दी होंगे, ओके। अब जैसे ही आपका फर्स्ट पेपर स्टार्ट होता है, कौन सी डेट को, 3rd सितंबर को, पहला पेपर कौन सा है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। जैसे ही पेपर स्टार्ट होता है तो आपने पेपर को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना है अपनी आंसर शीट के ऊपर, और याद रहे सीरियल नंबर वाइज आपको अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, ओके। सम टाइम ना देयर इज ए यू नो सेक्शन ए बी सी डी ई, है ना, कई बच्चे क्या करते हैं, पहले जो उनको क्वेश्चन आता है ना उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूं ये इंस्ट्रक्शंस हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से, ओके, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूं। आपने जो भी अपने अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस वो आपने उसको सीरियल नंबर वाइज अटेम्प्ट करने हैं, ओके। अगर सेक्शन ए पहले है तो सेक्शन ए के ही आपने कंपल्सरी क्वेश्चंस करने हैं, ओके। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो फिर लॉन्ग क्वेश्चंस के करने हैं, ओके। अब सेकंड पॉइंट देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्या है सेकंड पॉइंट, अब इफ यू वांट टू गेट ए गुड मार्क्स, आप अगर अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो गाइज आपको पेपर पूरा 100% अटेम्प्ट करना होगा। लेकिन उसके साथ दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि विद इन ए 3 आवर्स ही करना है आपको, जो आपको 4 आवर्स अलॉट होंगे आपके एग्जाम्स के लिए, आउट ऑफ ए 4 आवर्स 3 आवर्स यू हैव टू गिव यूर रिटन एग्जाम और 1 आवर फॉर यूर मेकिंग पीडीएफ फाइल एंड सेंडिंग विद द अटैचिंग दैट पीडीएफ फाइल विद द गूगल फॉर्म, ठीक है। 4 घंटे में से 3 घंटे आपने एग्जाम्स करने हैं, 1 घंटा आपको मिलेगा पीडीएफ फाइल को अटैच करके भेजने में। तो 3 घंटे में आपने 36 पेजेस को फिल करना है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आपका 6.5 पेजेस का होना चाहिए, राइट। तो आपको पता ही आपका एग्जाम्स का पैटर्न क्या रहने वाला है, राइट, यू हैव टू अटेम्प्ट 4 लॉन्ग क्वेश्चंस, ओके, एंड 4 शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की तो लॉन्ग क्वेश्चंस में इफ यू अटेम्प्ट लॉन्ग आंसर ऑफ 6.5 पेजेस तो 4 क्वेश्चंस के कितने पेजेस आपने फिल किए, 6.5 × 4 कितना हो गया टोटल बेटा, 26 पेजेस, राइट। बाकी जो आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चंस रह जाएंगे वो आप 2-2 पेजेस के अटेम्प्ट करो, तो 4 × 2 कितना हो गया, 8, और 6.5 × 4 कितना हो गया, 26, राइट। तो 26 × 8 कितना हो गया, 34, ओके। तो आप या तो अपना उधर 7 पेजेस कर सकते हैं अपना लॉन्ग क्वेश्चन, अगर लॉन्ग क्वेश्चन 7 पेजेस किया तो 7 × 4 कितना हो गया, 28 पेजेस, राइट। तो अगर एक 2 पेजेस का शॉर्ट क्वेश्चन भी करते हैं तो 28 × 8 कितना हो गया, 36 पेजेस, राइट। अदरवाइज 6.5 तक अगर आपका जाता है तो शॉर्ट क्वेश्चन आपका 2.5 पेजेस का होना चाहिए। मतलब आप कैसे भी कर लीजिए, द पर्पस इज दैट यू हैव टू फिल द
36 पेजेस, ओके। इधर आप 7 पेजेस का एक क्वेश्चंस कीजिए और उधर 2 पेजेस का शॉर्ट कीजिए, या इधर 6.5 का लॉन्ग क्वेश्चंस कीजिए और शॉर्ट क्वेश्चंस 2.5 पेजेस का कीजिए, ठीक है। लेकिन इसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7 पेजेस का अगर आप कर रहे हैं तो बेटा आपको ये भी टाइम को भी नोट करना है, वो 7 पेजेस आपके 30 मिनट्स या मैक्सिमम 35 मिनट्स के अंदर आपके 7 पेजेस फिल होने बहुत जरूरी है, राइट। ये ना हो जाए पहले क्वेश्चंस को ही आप 1 आवर लगा दो, ओके, पीछे आपके पास भी टाइम नहीं बचेगा। तो ये जो पेपर है थ्योरेटिकल का पेपर है आपका, ये टाइम बाउंड पेपर भी है, इसको भी आपने यू हैव टू कीप इन योर माइंड। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर टाइम ज्यादा हो जाता है, हमारी शीट्स कम फिल होती हैं, तो देन द इंटेलिजेंट डिसीजन इज दैट यू हैव टू लीव द क्वेश्चन। अगर आपकी 5 पेजेस फिल होते हैं और टाइम उधर 35 मिनट्स हो गए, तो आपने अपना क्वेश्चन 5 पेजेस में ही वाइंड अप करना है, देन जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। अदरवाइज आपने 35 मिनट्स के अंदर अपना 7 पेजेस का लॉन्ग क्वेश्चन आपने राइट करना है अपनी आंसर बुकलेट के अंदर, ओके। ये टाइम की बेस्ट डिविजन है जो मैंने आपके लिए कैलकुलेट करके निकाली है, बिकॉज 35 लॉन्ग को देते हैं तो 35 × 4 कितना हो गया, 2 hours and 20 minutes, राइट गाइस। रेस्ट यू हैव द 40 मिनट्स, तो 40 मिनट्स में आपने 10 मिनट्स शॉर्ट क्वेश्चंस को दिए, तो 4 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो 3 hours के अंदर आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा और 36 पेजेस भी अटेम्प्ट हो जाएंगे, राइट गाइस। सेकेंड और थर्ड जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आ गया आपका, आपने विद इन थ्री आवर्स आपको यू हैव टू फिनिश यूर पेपर एंड यू हैव टू फिल द 36 पेजेस, राइट बेटा। अब फिफ्थ पॉइंट देखिए द इंपॉर्टेंट थिंग, अब आपका 3 hours आपके हो गए हैं, 36 पेजेस आपके फिलअप हो गए हैं, राइट। और अब आपको क्या करना है, फिफ्थ पॉइंट इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको PDF फाइल बनानी है अपने मोबाइल के अंदर, कोई भी आपको स्कैनर आपको डाउनलोड करना है, ओके, PDF स्कैनर, उसको अपने एग्जामिनेशन से पहले 36 पेजेस लिख के प्रैक्टिस करके आप उसको चेक कर लो, वो सारा का सारा 36 पेजेस का स्कैन हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ ऐसे PDF हैं, स्कैनर्स हैं, जो 10, 12, 14, 15 पेजेस के बाद क्या होते हैं, चलना बंद कर देते हैं। तो गाइस आप एक बेस्ट अपना स्कैनर आप लोड कीजिए, PDF स्कैनर, ओके, और उसमें आप चेक कीजिए 36 पेजेस के लिए कौन सा बेस्ट है, राइट। अब जब आपने PDF फाइल बना ली अपने 36 पेजेस की, अब आपको क्या करना है, यू हैव टू सेव द फाइल, ओके। तो यहां पर आपको नोट करना है, तो आपने फाइल को सेव करना है, वो आपने नाम क्या देना है, तो आप नोट कर लो बेटा, नेम आपका रोल नंबर होना चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल किसी का रोल नंबर है 1020, तो जब वेन एवर यू हैव टू मेक द PDF फाइल, तो आपका रोल नंबर क्या होना चाहिए, तो आपका जब सेव करोगे PDF फाइल को, तो यू हैव टू सेव विद 1020, ओके। तो PDF फाइल का ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है यूनिवर्सिटी की तरफ से, कि आपका जो PDF फाइल आपने बनानी है और उसको जो सेव करना है, वो आपने नेम क्या देना है, नेम शुड बी योर रोल नंबर, क्योंकि रोल नंबर सभी के यूनिक होते हैं, ठीक हो गया, राइट। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो रोल नंबर है, अब आपका रोल नंबर भी आपने स्कैन करके अटैच करना है 36 पेजेस के साथ, ओके। तो टोटल कितने हो गए, 37, मतलब 36 तो वो आंसर बुकलेट के हो गए, और पहला जो आपका रोल नंबर वाला पेज है उसको आपने उसके साथ अटैच करना है, तो टोटल आपने 37 पेजेस की एक ही फाइल यू हैव टू सेंड टू द गूगल फॉर्म लिंक, यू हैव टू अटैच विद द गूगल फॉर्म लिंक के साथ अटैच करनी है। अब बात आती है वो गूगल फॉर्म लिंक कैसे आएगा, जब आप अपने पेपर दे रहे होंगे, जो भी आपका रिस्पेक्टिव कॉलेज है, जो भी आपका ग्रुप बनाया होगा, तो वो कॉलेज आपको गूगल फॉर्म का लिंक भेजेगा, इट इज instructions बाय द यूनिवर्सिटी टू ऑल द कॉलेजेस, ओके। वो आपका पेपर खत्म होने से आधा घंटा पहले आपको, मतलब 3 hours के पहले या उसी के आसपास आपको वो गूगल फॉर्म का लिंक आपके ग्रुप में आ जाएगा, ओके।
तो आपने उस गूगल फॉर्म के लिंक में उसमें आपकी जनरल सी इंस्ट्रक्शंस होंगी कि आपका पेपर का नेम कौन सा है, उसका व्हाट इज द कोड ऑफ योर पेपर, ओके। फिर उसके बाद एक दो इंस्ट्रक्शंस और होने के बाद आपको अटैच करनी है टोटल 37 पेजेस, ओके गाइस। उसके बाद बच्चे लास्ट में आपका आ जाता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेवंथ वाला, कि आपने जो कॉलम होगा गूगल फॉर्म का लिंक, उसको आपने देखना है कि सभी के सभी जो पॉइंट्स हैं उसको फिल होने के बाद आपने तभी सबमिट बटन पे क्लिक करना है अनलेस और अंटिल योर फाइल इज अटैच्ड। मतलब जब आपकी 37 पेजेस की फाइल अटैच हो जाती है तभी आपने सबमिट पे क्लिक करना है जो लास्ट में दिया होगा। अगर गलती से अगर आपने पहले क्लिक कर दिया तो वो गूगल फॉर्म का लिंक आपके लिए दोबारा नहीं खुलेगा, तो देन यू वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर यूर एग्जाम, आपका एग्जाम रह जाएगा बच्चे, ठीक है। तो अगर यूनिवर्सिटी ने जहां पर रिलैक्सेशन दिया है कि आप ऑनलाइन एग्जाम्स दे सकते हैं बाय सिटिंग एट होम, साथ में कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं जिसको आपको फॉलो करनी है, राइट। तो ये सबमिट का बटन, सभी आपने कॉलम को यू हैव टू फिल करने के बाद यू हैव टू अटैच 37 पेजेस, देन आपको यू हैव टू क्लिक ऑन द सबमिट बटन, राइट बच्चे। नेक्स्ट हम समझते हैं, अब कुछ बच्चों की क्वेरीज थी कि सर हमारा पेपर कोड क्या होगा, पेज नंबर कैसे हैं, रोल नंबर, साइन कैसे हमें करनी है। तो बेटा आपको जो आपका पेपर कोड होगा, राइट, पेपर कोड आपका क्वेश्चंस पेपर के ऊपर लिखा होता है, राइट। ओनली पेपर कोड यू विल कम टू नो एट द डे ऑफ योर एग्जाम, जब आपका एग्जाम का डे होगा जो आपको क्वेश्चन पेपर आएगा उसके ऊपर कोड लिखा होगा। तो आपने 36 पेजेस की जो आपकी आंसर शीट है, उस आंसर शीट्स के ऊपर आपने ऊपर या बॉटम में आपने पेपर का कोड, पेज नंबर, आपका रोल नंबर और फिर आपके साइन, ये चार चीजें आपने लिखनी है 36 पेजेस के ऊपर, ठीक है बच्चे। इनमें से तीन चीजें आप पहले भी कर सकते हो अपने, ओके, आप पेज नंबरिंग कर सकते हो पहले, राइट। अगर रोल नंबर आपको मिल गया है, आपने डाउनलोड कर लिया है, तो आप रोल नंबर भी लिख सकते हो और साइन भी कर सकते हो। तो लास्ट में क्या होगा, मैं तो आपको यही बोलूंगा तीनों चीजें पहले लिख लो आप, ताकि जब पेपर कोड आपको पेपर वाले दिन पता लगेगा तब आप पेपर कोड आप उसका लिख लेना, लेकिन आपने सभी शीट के ऊपर लिखना है 36 की 36, ओके। सो राइट पेपर कोड ऑन एवरी पेज ऑफ आंसर शीट, ओके। पेपर कोड इज रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट है, यू हैव टू गिव द पेज नंबर ऑफ एवरी शीट ऑफ द आंसर बुकलेट। देन यू हैव टू राइट द योर यूनिवर्सिटी रोल नंबर ऑन एवरी पेज ऑन द आंसर शीट, एंड अलोंग विद यू हैव टू साइन, आपके खुद के आपने सिग्नेचर करने हैं ऑन एवरी पेज ऑफ द बुकलेट, यानी कि 36 पेजेस, राइट गाइस। नेक्स्ट हम बेटा समझते हैं कुछ, अब आपको मेन चीजें समझ आ गई होंगी, राइट, कैसे हमारा पेपर होगा, कैसे आपका 36 पेजेस की आपको आंसर शीट आएगी, आपने आंसर शीट्स पे आपने क्या क्या चीजें लिखनी है, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है आपको, राइट, 36 पेजेस की बाइफरकेशंस आपकी क्या होगी, 4 क्वेश्चंस आपको लॉन्ग अटेम्प्ट करने हैं, 4 आपको क्वेश्चन शॉर्ट अटेम्प्ट करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन शुड बी ऑफ 7 पेजेस, राइट, एंड शॉर्ट क्वेश्चन शुड बी ऑफ 2 पेजेस, प्रोवाइडेड 7 पेजेस के लिए यू हैव टू गिव 35 मिनट्स और 2 पेजेस शॉर्ट के लिए यू हैव टू गिव 10 मिनट्स, ओके। अगर टाइम बढ़ रहा है तब आपने क्या करना है, यू हैव टू लीव द क्वेश्चन एंड देन जंप टू द अनदर क्वेश्चन, किसी भी हालत में आपके 35 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट, क्योंकि दिस इज द बेस्ट कैलकुलेशंस फॉर यूर यू नो बाइफरकेशंस ऑफ यूर क्वेश्चंस एंड यू नो टाइमिंग्स। अब मैं आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बताता हूँ कि आप अगर अपने मोबाइल में कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको कोई डिस्टर्बेंस, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, राइट। तो ये 2-3 सेटिंग्स आपने सभी ने अपने मोबाइल पे करनी है, क्योंकि बेटा आपको मालूम है द डे ऑफ यूर एग्जाम्स आपको एक लिंक आएगा गूगल फॉर्म का, राइट, उस लिंक को आपने ओपन करना है, कैमरा आपका ऑन रहना चाहिए ड्यूरिंग यूर 4 आवर्स, 4 घंटे आपका मोबाइल का कैमरा ऑन रहना चाहिए। जैसे मैं आपको ये पीपीटी दे रहा हूं ऐसे आपने सामने बैठ के अपना क्वेश्चन पेपर लिखना है, ओके।
तो कैमरा शुड बी ऑन, और अगर कैमरा आपका ऑफ हो जाता है या कोई कारण कोई प्रॉब्लम आ गया तो आपके यूएमसी के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाएंगे. तो टू अवॉइड द यूएमसी चांसेस, तो व्हाट यू हैव टू डू, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स कर लो. कौन कौन सी सेटिंग्स हैं इंपॉर्टेंट? एक तो आप अपने मोबाइल्स के ऊपर ना अपने एग्जाम्स वाले दिन कॉल फॉरवर्डिंग लगा लो, राइट. सेटिंग के अंदर जाकर फोन ऑप्शंस आएगा, जनरल में जाके फोन ऑप्शंस आएगा, उसमें कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन आ जाएगा. वो कॉल फॉरवर्डिंग आपसे पूछेगा कौन सा नंबर, उसमें आप नंबर अपने घर का, पेरेंट्स का, रिलेटिव्स का, कोई भी आप नंबर दे सकते हैं, राइट. कॉल फॉरवर्डिंग फीचर्स है, बड़ा इजी फीचर है. अगर आप चाहते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो इस इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के ऊपर बना दूंगा. ओके बच्चे, राइट. अदरवाइज ये तीन सेटिंग्स आपको करनी है, कॉल फॉरवर्डिंग, दूसरा इंक्रीज ऑटो लॉक टाइम आउट. आपने देखा होगा आपका जो मोबाइल होता है, राइट, किसी का भी मोबाइल है, आप अभी भी चेक कर लीजिए, आप जैसे ही मोबाइल को रखते हैं उसकी स्क्रीन 15 सेकंड के बाद ऑफ हो जाएगी, हो जाती है ना 15 सेकंड के बाद ऑफ या 30 सेकंड के बाद. अगर बार बार बीच में स्क्रीन ऑफ होगी ना तो उसके साथ कैमरा भी ऑफ हो जाता है बच्चे. ओके, तो आपने उसका जो स्क्रीन का जो टाइम है, लॉकिंग टाइम है, उसको बढ़ाना है. सारे ऑप्शंस आपको सेटिंग्स के अंदर जाकर मिल जाएंगे, राइट. जैसे कि आप इस यहां देख सकते हैं, ये देखिए, राइट. जैसे आप सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, ओके, ये देखिए सेकंड वाले मोबाइल वाली इमेज में देखिए, ओके, ये देखिए सेकंड वाली मोबाइल वाली इमेज के अंदर टाइम आ रहा है. ओके, ये ऊपर देखिए स्क्रीन टाइम आ रहा है. हाँ, स्क्रीन टाइम, यहां जाकर अपना वो टाइम बढ़ा सकते हैं आप अपना. ओके, तो यहां पर फिर ये ऑटो लॉक आ गया 2 मिनट्स, इसको आप बढ़ा सकते हैं. तो फ्रॉम दैट वे आप अपना ये 2-3 सेटिंग्स कर सकते हैं. एक अपनी होगी आपकी कॉल फॉरवर्डिंग की, राइट, कॉल फॉरवर्डिंग लगाना है और ऑटो लॉक टाइम आउट लगाना है. ओके, और थर्ड क्या करना है आपने, एक बेटा मोबाइल स्टैंड आप परचेज कर लो, या घर में आप सेल्फ मेड भी बना सकते हो. ठीक है, मोबाइल स्टैंड में आपको दिखाता हूं, ये बहुत ही यूजफुल है. ये देखिए, ये जो मोबाइल स्टैंड आप देख रहे हैं, ओके, ये आपको ना यू कैन परचेज फ्रॉम द मार्केट. इसकी कॉस्ट है 400 रुपीज से लेके 500 रुपीज तक है, राइट. ये आपको 400 to 500 की रेंज में मिल जाएंगे, ऊपर वाले दो स्टैंड्स हैं जो. ओके, आप इससे देखो आपका टेबल चेयर लगा हुआ है, स्टैंड आपके टेबल के ऊपर है, स्टैंड पे आपका मोबाइल है, मोबाइल से आपका जो लिंक भेजेंगे वो गूगल फॉर्म का, उससे आपका कैमरा ऑन है और आप आराम से पेपर दे सकते हैं अपना, राइट. अगर आपको कोई चेक भी कर रहा है तो उस पे लगेगा कि सामने आप पेपर ही आराम से दे रहे हो, राइट. ये मैंने स्टैंड्स आपको बता दिए हैं. और ये नीचे वाला जो थर्ड स्टैंड है, ये थोड़ा कॉस्टली है, ये अराउंड 1500 से लेके 2000 तक है, और ये फ्लिपकार्ट पे है. फ्लिपकार्ट से तो क्या मंगवाना, आप मार्केट से परचेज कर सकते हो, अभी टाइम भी नहीं रह गया आपके पास. ओके, ये दोनों स्टैंड, अगर कोई चाहता है कि ये स्टैंड भी नहीं खरीदना चाहता तो आप अपना कोई बुक से आप ऐसे बना सकते हैं. ये मैंने आपको बताया बेटा, राइट. ये सामने देखिए दोनों इमेजेस के अंदर, कोई कार्डबोर्ड का आप ऐसा बना सकते हैं या बुक पे आप सामने रख सकते हैं. क्योंकि इंस्ट्रक्शंस ये है कि 3 आवर्स 4 आवर्स आपका जो कैमरा है इट शुड बी ऑन. अगर वो ऑफ हो गया यूएमसी के चांसेस बन जाएंगे. ठीक है, तो ये पहले सेटिंग्स आपने करनी है. क्या क्या सेटिंग्स करनी है आपने, आपकी एक टेबल और चेयर होनी चाहिए, देखिए. ठीक है, अपने रूम के अंदर पर्टिकुलर आपका एक रूम हो, राइट, नॉइस फ्री रूम होना चाहिए. ओके, जैसे कि आप इमेज के अंदर देख रहे हैं, आप अपना लैपटॉप, आप मोबाइल, उस लिंक को ऑन करके यू कैन ऑन योर कैमरा और उसके सामने बैठ के आप अपना पेपर लिख सकते हैं, राइट. यही इंस्ट्रक्शंस हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटीज की ऑनलाइन की, राइट गाइस. तो आई होप आपको ये जितनी भी ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस हैं रिगार्डिंग योर बीएड एग्जामिनेशंस, आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी. जो चीज क्लियर नहीं हुई है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, राइट. राइट गाइस, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशंस. थैंक यू गाइस.